शत्रु विद्वंशनीम रौद्रीम त्रिशूलाम रक्तलोचनाम नित्यानंदनाम निराहाराम निष्कलंकाम नमोस्तुते। हम उस भगवती परम्बा की उपासना आराधना करते हैं, हम उन देवी हम उन जगदम्बिके का आवाहन करते हैं जो कि अपने प्रकाश से अपने तेज से सारे विश्व को आच्छांजित कर रही है। ऐसी हम भगवती देवी दुर्गा देवी का हम ध्यान धरते हैं कि वे देवी आकर के हमारे सब कष्ट दूर करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे हर कार्य में आने वाली बाधा और विघ्न को वो दूर करें और हमारे प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करें। नमस्कार मित्रों, देवी भगवती की विशेष रूप से पूजा के अंदर हमें उनके कुछ संपूट मंत्र जो कि हमारे जीवन में बड़े ही उपयोगी होते हैं, जिनको काम में लिया जाना चाहिए, जिनकी सहायता से हम मात्र कुछ समय में ही अपने बाधा को दूर करके अपने मनोवांछित को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवती के ऐसे सिद्ध संपूट मंत्र है जिनको मात्र 11 या 21 बार उच्चारण करने मात्र से ही हमारा कार्य सफल हो जाता है, बशर्ते देवी के अंदर साधक की श्रद्धा का होना आवश्यक है। और माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी पूजा या आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें मात्र उनके कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण करके ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। और वे मंत्र बड़े ही चमत्कारी है और जिनमें सबसे चमत्कारी मंत्र जो माना गया है वह महागौरी का मंत्र माना गया है, जो देवी महागौरी का 8वां स्वरूप है। जो मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को मात्र 21 बार उच्चारण करके किसी भी विशेष कार्य की तरफ प्रस्थान किया जाएगा तो उस कार्य में अवश्य सफल हम हो ही जाएंगे और हर बाधा देवी अपने भक्त की वो दूर कर देगी। चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य क्यों न हो तो उस कार्य में अवश्य ही माँ गौरी के आशीर्वाद से सफलता मिल ही जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जय माता दी।